क्या है? अनबॉक्सिंग वीडियो देख ले। किसकी? दिखाए दिखाए, चलो देखते हैं। ओके, तो स्वागत है आपका आज की इस प्यारी प्यारी हिलने डुलने वाली अनबॉक्सिंग वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे टेबल हिल क्यों रहा है। एक्चुअल में मेरी जो गेमिंग चेयर है उस पर एक प्यारा सा पीओपी का टुकड़ा लगाया हुआ है और उस पर ये प्रॉपर लेवल के अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ। तो मेरे पास नेल कटर भी है और मेरे पास एक कीबोर्ड भी है। तो हाँ, अब हम आते हैं कीबोर्ड की तरफ। ये कीबोर्ड है गाइस अलॉय एलीट आरजीबी कीबोर्ड। काफी एक्सपेंसिव है लेकिन ये काफी अच्छा है, इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। इसमें गाइस आते हैं चेरी के एमएक्स आरजीबी स्विचेस जो काफी अच्छे हैं गेमिंग के लिए। और आरजीबी मतलब आपको तो पता है, गेमिंग कीबोर्ड मतलब उसमें आरजीबी होना जरूरी है। मीडिया कंट्रोल से वॉल्यूम कंट्रोल कुछ अलग तरीके से है, लाइटनिंग इफेक्ट कुछ अलग तरीके से, सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, बहुत 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 सी चीजें हैं और फास्टेस्ट गेमिंग कीबोर्ड में से एक ये कीबोर्ड है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हाइपरएक्स ने हमें क्या क्या दिया है। तो इस टेबल को थोड़ा सा ऐसे सरका के हम ये व्यू लेते हैं टेक्निकल गुरुजी अंकल जैसे। ठीक है, अब इसको हम उल्टा करेंगे। ओके, ये सील्ड है तो सील्ड पहले हम हमेशा की तरह नेल कटर वा जिंदाबाद डन डन डंडन डंडन डन। तो इस बक्से को हम रखते हैं साइड में और हम इसको खोलेंगे। खोलने से पहले आपको पता है क्या बोलने का है? जजंतरम ममंतरम न जाने कैसा कीबोर्डम आ गया श्रीमान के घरम। ओ डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर एट, अच्छा उन्होंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई है। थोड़ा कैमरा में मूव करके आपको दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड है, इस बार मैं कीबोर्ड को अलग नहीं रखूंगा, कीबोर्ड ही आपको पहले दिखाऊंगा क्योंकि कीबोर्ड के साथ कुछ आता ही नहीं है वैसे। हाँ, एक यूनिक चीज आई हुई है जो पहली बार मैंने कीबोर्ड के साथ देखी हुई है। रुको, हम इसको पहले अच्छे से रख देते हैं आपके सामने। ओके, तो ये आपके सामने मैंने रख दिया है। देखो, पहले तो ये कीबोर्ड इटसेल्फ है, इसकी काफी खतरनाक प्रीडेड वायर है। देखो, आप देख सकते हो दो यूएसबी पोर्ट है, मतलब जो मैंने आपको बोल रहा हूँ ना स्पीड के हिसाब से, तो आप सोचो दो यूएसबी पोर्ट है। ऑब्वियसली एक आरजीबी के लिए होगा और एक डेटा ट्रांसफर के लिए होगा, एक तो ठीक है। दूसरा है रिस्ट पैड, ये रिस्ट पैड भी अच्छा है, क्वालिटी का है, मैग्नेटिक रिस्ट पैड है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चिट्ठी मिली हाइपरएक्स की तरफ से। हाइपरएक्स कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीमान लेजेंड, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार के रहते हम आपको देखते हैं। आपको देखने के बाद जो मनमोहक आनंद, मृदुमयी आनंद मिलता है, उस आनंद का एक पर्याप्त पर्याय इसलिए आपको ये कीबोर्ड हम गिफ्ट कर रहे हैं। वैसे गिफ्ट नहीं कर रहे, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस कीबोर्ड का यूज करके हमें बता ही दियो कि कीबोर्ड कैसा है। आपकी प्यारी हाइपरएक्स टीम, जय हिंद। ठीक है, डन। तो चलो इसको हम कवर से निकालते हैं और दिखा दे कि एक्चुअल में कीबोर्ड कैसा सुंदर तैसा दिखता है। ऐसा गावत पंडरी मामा रे मामा मेरा पंडरी मामा रे। ओके, तो ये रिस्ट पैड है, ये रिस्ट पैड है और ये है कीबोर्ड। तो हमें ये रिस्ट पैड कैसे लगाना है? जस्ट वी हैव टू पुश इट। ये ऐसे हमने रखा, ये ऐसे पुश किया, एकदम परफेक्टली लग गया। ये देखो, और काफी लुक अच्छा आता है रिस्ट पैड लगाने के बाद। कीबोर्ड के स्ट्रोक एकदम स्मूथ है, जैसे कि मेरा पहला कीबोर्ड था उसके और इसके अगर स्ट्रोक देखे जाए तो अलग अलग है। ये उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे ऑन ऑफ की मतलब म्यूजिक कंट्रोल है और यहाँ पे आरजीबी कंट्रोल दिया है। ये अच्छा दिया है कि कीबोर्ड पे ही उन्होंने आरजीबी कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अलग अलग तरीके के पैटर्न वाले आरजीबी होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे रहेंगे। इसके साथ आप ये देख सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज है WASD 1234। अब ये क्या है आप जानते हो, गेमर्स लोग जानते हैं, लेकिन ये जो कीज है ना इस पे फील ऐसा आएगा कि जैसे कि आप मेटल पे यूज कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, ये प्लास्टिक वाली फील है, ये मेटल वाली फील है। इसके साथ ही ये की इजेक्टर टूल, इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलो इसकी एक बार लाइटिंग इफेक्ट आपको दिखा देते हैं। तो देखो, आपको एक सुनहरा लुक देने के लिए मैंने प्रॉपर लेवल पे
काळोख कर दिया है, अंधेरा अंधेरा कायम रहे, ठीक है। और इसमें इफेक्ट देखो, पहला तो ये इफेक्ट है, ये वन साइड है रंग पंचमी इफेक्ट, वन साइड मतलब ये इफेक्ट है, लेके आप खेलोगे ना आपको लगेगा कि रंग पंचमी आ रही है, मस्त पे की कलर बिलर उड़ाओ, ये देखो। और ये कलर की स्मूथनेस आप देख रहे हो, कलर कैसे डाइवर्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप किसी अच्छे कीबोर्ड को खरीदते हो, गेमिंग कीबोर्ड को खरीदते हो, तो आपको उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो यस, ये कलर इफेक्ट देख के मैं सेटिस्फाई हो रहा हूं। अगला इफेक्ट दिखाता हूं, अगला इफेक्ट है गेमिंग मोड है, ये गेमिंग मोड है गाइस, आप देख सकते हो WASD और 1 2 3 4, ये चार ही की व्हाइट है और बाकी की सब ब्लू हो गई है, तो ये काफी स्मूथ है। अगला देखते हैं, ओके अगला रेड कलर है, तो आई गेस तीन इफेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। जब मैं पीसी पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा तो ज्यादा इफेक्ट हमें कस्टमाइज करने मिलेंगे। और यहाँ पे है ब्राइटनेस गाइस, ये देखो ये एकदम लो पे है, एकदम लो, ये मीडियम पे और ये हाई पे, तो इसकी ब्राइटनेस अगर देखी जाए तो मेरे प्रीवियस जो कीबोर्ड है मेरा उसके कंपेयर करने जाऊं मैं तो थोड़ी डाउन सी लग रही है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा थी, इसमें थोड़ी कम है, बट ये आंखों को तकलीफ नहीं देती। और इस पे गाइस इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखो, ये चीज पे गौर करो, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर की लाइन दिख रही है, ये मेरा अंगूठा देखो, ये जो लाइन है ना एक्चुअल में कड़क है, कड़क है, ये चार चांदोबा लगा रही है इस कीबोर्ड की खूबसूरती को। मैं लाइट लगा देता हूं, ओके लाइट लगाने पर आपको उतनी क्लैरिटी नहीं दिखेगी उन कलर्स में, लेकिन हाँ ये एक है। अब इसको मैं आपको मेरे पुराने वाले कीबोर्ड से कंपेयर करके दिखाता हूँ, वेट ओके। तो ये देखो, ये जो नीचे वाला है ये मेरा कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड है जो खराब हो गया है, लेकिन इसकी लाइट काम कर रही है अच्छे से। और ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको वो अपना नया कीबोर्ड है। तो इन दोनों की लाइट की स्मूथनिंग को आप देख रहे हो। आप ऊपर के कीबोर्ड को देखो, जो कलर स्मूथ हो रहा है ना, कलर की स्मूथनेस देखो गाइस, जैसे कि डिस्प्ले पे कलर्स मूव होते हैं उस तरीके से लाइटली मूव हो रहा है। और ये नीचे देखो, ये नीचे कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट होता है गाइस, कुछ ना कुछ चीजें होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं। लाइक ये देखो, इसमें कलर पैटर्न्स देखो कितने, 1 2, ये देखो ये कितना प्यारा है, देखो ये नागपंचमी इफेक्ट है जो मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, ये है, ये एक है, ये देखो ये है वेव्स वाला, ये उसमें भी अवेलेबल है, ये देखो ये एक है जैसे वेव्स आती है, ये है रिपल इफेक्ट और ये नॉर्मल कलर। अब यहां पे थोड़ा कलर का प्रॉब्लम हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, तो मैं आपको जस्ट कंपेयर करके दिखा रहा था। उसको पीसी में अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट है कस्टमाइजेबल, तो और उसमें कुछ रिस्पांस टाइम भी अच्छा है और गेमिंग मतलब गेमिंग इफेक्ट भी है, कुछ गेम के अनुसार आप अपने कीज को चेंज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। वो मैं अगले, अगर इसका कोई रिव्यू वीडियो अगर मैंने बनाया फ्यूचर में, जो मैंने पहले माउस का एक बनाया था और इसका बनाया था, तो इन दोनों का एक रिव्यू वीडियो मैं फ्यूचर में बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जाता हूँ, मुझे टॉयलेट आई दी है, बाय।